हाँ तो बच्चों, कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के अतरंग में एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में ने क्लास हुई थी। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे या बताएंगे कि भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। तो आप थोड़ा रिपीट देख लीजिए कि शासन के दो प्रतिमान माने जाते हैं, एक संघात्मक और एक एकात्मक। एकात्मक के प्रतिमान में शक्तियों का जो केंद्र होता है, शक्तियों का जो जमावड़ा होता है, वो केंद्र में होता है। यानी कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइजेशन की जो स्थिति है वह एकात्मक मॉडल में हम देखते हैं। जहाँ तक संघात्मक का सवाल है तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। अमेरिका पहला राज्य है जिसने संघात्मक दृष्टिकोण को प्रतिमान को अपनाया था। अल्थाजियस वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले फेडरल्स जो शब्द है उसका यूज किया था। एक चिंतक के रूप में मैकियावली भी संघात्मक प्रतिमान के समर्थक थे। जब देश को आज़ादी मिली तो हमारे सामने ये था कि हम कौन से प्रतिमान को अपनाएं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय हिसाब से फेडरल सिस्टम को अपनाया है, तो यहाँ हमने बीच का मार्ग अपनाया है। तो मगर फेडरल सिस्टम अपनाने के बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केंद्र की स्थापना की है, क्योंकि उनका मानना था कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई, भारत को गुलाम बनना पड़ा, वे नहीं चाहते थे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति हो। इसलिए उन लोगों ने मजबूत केंद्र की स्थापना की, संविधान में ऐसी बातें लिख दी कि जिससे सिद्ध होता है कि संविधान में सॉरी केंद्र एक मजबूत स्थिति में है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि संविधान के अलावा भी ऐसी बातों का विकास हुआ है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ना केवल अंतरंग रूप से अपितु बहिरंग में भी कुछ एकात्मक तत्व है जिनके माध्यम से क्या है कि कहा जिनके माध्यम से केंद्र एक मजबूत शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा है। इसके लिए जैसे मैंने यहाँ कई बातें लिखी हैं, पहला लिखा है प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व, एक दलीय प्रभुत्व, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ अब यह है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद कतिपय ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है जिसमें जिनसे एकात्मकता में वृद्धि हुई है और केंद्रीकृत संघवाद का चलन हुआ है। कुछ तत्व तो इस प्रकार के हैं। सबसे पहले है प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व। भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व करिश्माती और प्रभावशाली रहा है। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके प्रभाव के आगे राज्य के नेताओं का व्यक्तित्व फीका पड़ जाता था और कोई मुख्यमंत्री उनका विरोध करने की सोच भी नहीं सकता था। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद पर मुख्य रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी ही कार्य करती रही। उनका व्यक्तित्व भी कम आकर्षक नहीं था, देश की जनता पर उनका अनूठा प्रभाव था। अनेक राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कई बार प्रधानमंत्री की इच्छा से हुई है और उन नेताओं को राजनीति से विरक्त होना पड़ा जिसे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त नहीं था। दूसरा नंबर आता है एकदलीय प्रभुत्व। भारत की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। कांग्रेस की प्रधानता का कारण उसके हाथ में समाज की सरकार की शक्ति का होना तथा उसका प्रभावशाली नेतृत्व रहा है। इसके साथ ही संगठन की जनता में पहुंच रही है। इस प्रकार सरकार की शक्ति और जनता में पहुंच दोनों उनकी प्रधानता की जड़ें हैं।
1947 से 1967 तक केंद्र एवं राज्यों में एक छात्र कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। 1971 के पश्चात पुनः लगभग संपूर्ण भारत में कांग्रेस दल का एक छत्र शासन स्थापित हो गया। अतः कांग्रेस के सुदृढ़ संगठन द्वारा अनेक मतभेदों और विवादों का समाधान सरल रहा। 1967 के पश्चात कुछ राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी। प्रोफेसर रजनी कोठारी का कहना है कि वास्तव में गैर कांग्रेसी विधानमंडलों से नितांत केंद्रीय सरकार के लिए ज्यादा आसान सिद्ध हुआ है, बजाय कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के जो कांग्रेस दल और केंद्रीय सरकार के मामलों में भी दखल देने की कोशिश करते थे, क्योंकि वे अपने को महज मुख्यमंत्री नहीं अपितु अखिल भारतीय कांग्रेस का नेता भी मानते थे। अब नीचे 3 नंबर आता है योजना आयोग। जो योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इनका आर्थिक विकास में योगदान है। तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कृत्य सौंपे गए हैं। योजना आयोग के महत्व के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है, तथा उसके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी आयोग के सदस्य होते हैं। योजना आयोग ने अपने कार्यों का विस्तार किया है। वस्तुतः वह रक्षा को छोड़कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में भावी विकास का प्रमुख निर्णायक बन गया है। 15 मार्च 1950 के प्रस्ताव में यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि योजना आयोग मूलतः एक परामर्शदायी संस्था होगी। इसका कार्य आर्थिक नियोजन के मामलों पर शासन को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना है, किंतु व्यवहार में योजना आयोग ने संविधान और शासन दोनों को ही विशेष रूप से प्रभावित किया है। अशोक चंदा ने आयोग के महत्व के कारण उसे देश का आर्थिक मंत्रिमंडल तक कहा है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता और आर्थिक परामर्श के लिए आयोग पर अधिकांशतः निर्भर है। के संथानम लिखते हैं कि इस समूचे नियोजन ने नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्तता को एक छाया का रूप प्रदान किया। ग्रेनविल आस्टिन लिखते हैं, संविधान के निर्माण के समय इस प्रकार का कोई स्पष्ट विचार नहीं था कि नियोजन संघीय व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा। इस बात की भी कल्पना ही नहीं की गई थी कि योजना आयोग वित्त आयोग से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि संविधान निर्माता सभा के सदस्यों ने इस बात का अनुमान लगाया था कि योजना व्यवस्था संघीय पद्धति की ओर मोड़ देगी। फिर भी समय ने यह बतला दिया है कि भारतीय संघवाद के अंतर्गत नियोजन का केंद्रीय कृत प्रभाव रहा। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी देखिए, योजना आयोग की भांति ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अत्यंत प्रभावशाली निकाय है। आयोग के ही समान यह परिषद भी संविधान की उपज नहीं है। इसका लक्ष्य योजना आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है। वस्तुतः राष्ट्रीय विकास परिषद योजना व्यवस्था की श्रेष्ठतम संस्था है। योजना आयोग द्वारा निर्मित एवं राज्य विकास परिषद द्वारा स्वीकृत योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम बन जाता है। इस कारण संथानम ने इसे भारतीय संघ के सर्वोच्च मंत्रिपरिषद तक कह दिया है। अब व्यवहार में राज्यों की योजनाओं के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद के में लिए जाते हैं, जिसे राज्य की स्थिति केंद्र सरकार के एजेंट के समतुल्य हो गई। अब यहाँ ये है भारतीय संविधान के पहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। अब आगे सवाल ये आता है कि जो भारतीय संघवाद है उसके कितने प्रतिमान हैं, किस हिसाब से उसकी एक्सप्रेशन हो सकती है। तो यह भारतीय संघवाद के 3 प्रतिमान ऊपर पर सामने आते हैं। पहला आता है एकात्मक मॉडल, जिसमें क्या है कि केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर छाई रहती है। वहां कई कारणों से, जैसे मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के
अतरंग एवं बहिरंग में जो एकात्मक तत्व है उनके कारण केंद्र सरकार काफी पावरफुल मानी जाती है और राज्य अपना आर्थिक विकास करने के लिए टोटली उसके ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ दूसरा प्रतिमान है सहयोगी प्रतिमान। सहयोगी प्रतिमान में केंद्र सरकार पावरफुल होती है, सही है, मगर इसके बावजूद भी वह क्या है कि राज्य से सहयोग लेती है। और अगर सभी राज्य मिलकर ये कहें कि साहब हम केंद्र सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे तो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो भारतीय संविधान सहयोगी संघवाद की स्थापना करता है। समय समय पर भारत में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन होता है, चीफ सेक्रेटरी आपस में मिलते हैं, राज्यपालों का सम्मेलन होता है। तो ये सम्मेलन इस प्रकार से बताते हैं कि विकास करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार है उनमें सहयोग होना चाहिए और सहयोग होता भी है। एक तीसरी प्रति एक उभर कर सामने आ रही है जिसे सौदेबाजी वाला प्रतिमान कहा जाता है। अभी मैं बता रहा था कि 1967 तक सेंटर और स्टेट में इक्वल रूप से क्या है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 67 में 12 राज्यों के आसपास में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं। और भारत की राजनीति में अगर हम देखें तो 1990 के बाद में 1990 से लेकर 1914 तक 1990 से लेकर 1914 तक हम देखते हैं कि वहां इस प्रकार के राजनीतिक द्विस्तरीय प्रवृत्ति वाले राजनीतिक दलों का विकास होता है जिन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। और ये क्षेत्रीय दल हालांकि संख्या में इतने नहीं है कि वो 272 नंबर ला सके, मगर इनके पास इतनी संख्या होती है कि वह क्या है कि केंद्र में अपनी सरकार को बनाने के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए सौदेबाजी करते हैं। तो यहाँ भारत में हम देखते हैं कि बहुत से राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल हैं जिनके पास नंबर होते हैं, किसी के पास 10 सीट होती है, किसी के पास 20 सीट होती है, तो वह अपनी मांग को मनवाने के लिए केंद्र सरकार को समर्थन देते हैं। और केंद्र सरकार अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई बार ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं इनकी मांग मान लेती है। तो छोटे दल जो होते हैं वह सरकार से सौदेबाजी करते हैं और कई बार अपने अपने राज्यों के लिए विशेष पैकेज ले लेते हैं, विशेष सहायता ले लेते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था का जो तीसरा जो प्रतिमान है फेडरल सिस्टम का प्रतिमान है वो सौदेबाजी वाला प्रतिमान माना जाता है। इसमें केंद्र सरकार और सत्ता, केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री होता है या सत्ता पक्ष का दल होता है और जो छोटे दल होते हैं उनके बाद में उनके बीच में सौदेबाजी वाली व्यवस्था रहती है। जहां तक वर्तमान का समय है तो 1914 से लेकर 1920 तक का हम देखें तो यहाँ पुनः हम देख रहे हैं कि पुनः भारत में की राजनीतिक जो व्यवस्था है एक दलीय प्रभुत्व की तरफ क्या है कि बढ़ रही है। ये सही है कि वर्तमान जो सरकार है, हाँ ये भी मिली जुली सरकार है, मगर यहाँ क्या है कि सौदेबाजी वाली स्थिति नहीं है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत की जो राजनीति हो सकता है कल क्या हो, तो वर्तमान समय में यहाँ हम देखते हैं कि एकात्मक मॉडल या सहयोगी प्रतिमान वाली स्थिति में है। धन्यवाद। आज इतना ही।